हेलो जी, नमस्ते। छत्तीसगढ़ रोजगार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ विजय चौहान और आपके लिए लेकर के आ गए हैं परमानेंट और स्थायी भर्ती के एक नई नोटिफिकेशन। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के द्वारा ऑल ओवर इंडिया के लिए 4,000 से भी ज़्यादा पदों पर परमानेंट और स्थायी भर्तियाँ निकाली गई हैं। इस भर्ती के लिए ऑल ओवर इंडिया से महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के द्वारा 4,000 से भी ज़्यादा पदों पर परमानेंट भर्तियाँ की जाएंगी। इस वीडियो में हम आपको एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय द्वारा निकाली गई भर्ती प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के द्वारा 4,062 पदों पर परमानेंट और स्थायी भर्तियां निकाली गई हैं। जो भी अभ्यर्थी इस पद की भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, 31 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। 31 जुलाई 2023 तक का जो है यहाँ पर समय दिया गया है। बात करें रिक्त पदों के विवरणों के बारे में, तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के द्वारा 4,062 पदों पर जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें प्रिंसिपल की 303 पदों पर भर्ती की जाएगी। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 2,266 पदों पर भर्ती की जाएगी। अकाउंटेंट की 361 पदों पर भर्ती होगी। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की 759 पदों पर भर्ती होगी और लैब अटेंडेंस की 373 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। टोटल अगर भर्ती के बारे में बात करें तो 4,062 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं 5 अलग अलग कैटेगरी में, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी 31 जुलाई 2023 से पहले जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें इस भर्ती में लगने वाले आवेदन शुल्क के बारे में, तो जो आवेदक प्रिंसिपल के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको ₹2,000 का आवेदन शुल्क लगेगा। जो अभ्यर्थी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको ₹1,500 का आवेदन शुल्क लगेगा और जो अभ्यर्थी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको ₹1,000 का आवेदन शुल्क यहाँ पर लगने वाला है। ऑल ओवर इंडिया के लिए 4,062 पदों पर जो है भर्तियाँ निकाली गई हैं, जिसमें 31 जुलाई 2023 तक आवेदक जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें इन पदों में मिलने वाले पे स्केल के बारे में, तो जो अभ्यर्थी प्रिंसिपल के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे लेवल 12 के आधार पर ₹78,800 का प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे, पीजीटी में 11 अलग अलग सब्जेक्ट में जो है भर्तियां की जाएंगी, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो पे लेवल 8 के आधार पर ₹47,600 का प्रतिमाह आपको वेतन दिया जाएगा। तीसरे नंबर की पद है अकाउंटेंट की, तो जो अभ्यर्थी अकाउंटेंट के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे लेवल 6 के आधार पर ₹35,400 का प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। चौथे नंबर की पद है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, जिसमें पे लेवल 2 के आधार पर ₹19,900 का वेतन दिया जाएगा। और पाँचवें नंबर की पद है लैब अटेंडेंस की, जिसमें पे लेवल 1 के आधार पर ₹1,800 का प्रतिमाह जो है आपको वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। वही बात करें इन 5 अलग अलग पदों के चयन के प्रक्रिया के बारे में, तो OMR बेस्ड जो है आपका एग्ज़ाम यहाँ पर लिया जाएगा, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 अलग अलग तरह के पदों पर जो है यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें 4,062 पदों पर जो भर्तियाँ की जाएंगी। इस भर्ती के लिए जो है OMR बेस्ड आपसे पेपर लिया जाएगा। पेपर में क्या पूछे जाएंगे, सिलेबस कैसा रहेगा, कितने अंक रहेंगे, सारी जानकारी जो है यहाँ पर इस PDF में दी गई है। इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगी। वहीं बात करें उम्र क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन के बारे में, तो जो अभ्यर्थी इन पदों के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। प्रिंसिपल के पद के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनके पास मास्टर डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए, साथ ही साथ BEd की डिग्री और एक्सपीरियंस होना चाहिए, वे अभ्यर्थी प्रिंसिपल के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। PGT में 2 अलग अलग कैटेगरी में जो है भर्तियां की जाएंगी। पहले कैटेगरी में 11 अलग अलग सब्जेक्ट के अंतर्गत भर्तियां की जाएंगी, तो जो अभ्यर्थी PGT के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय में, साथ ही साथ यहां पर BEd की जो है डिग्री होनी चाहिए, वे अभ्यर्थी PGT पहले कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। PGT के अंतर्गत ही कंप्यूटर साइंस टीचर की भी भर्ती की जाएगी, जिसमें MSc कंप्यूटर साइंस के जिनके पास डिग्रियां हैं वे जो है PGT के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो अभ्यर्थी कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए अप्लाई करेंगे BEd की डिग्री के बिना भी वे जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगली जो पद निकाली गई है अकाउंटेंट की, जिसमें आपके पास कॉमर्स सब्जेक्ट में जो है ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप अकाउंटेंट के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। अगली पद है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की,
जिनमें 12वीं कक्षा के बाद आपके पास कंप्यूटर की जो है डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर में हिंदी और इंग्लिश की जो है आपके पास टाइपिंग आनी चाहिए, तब आप जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। अगली जो पद निकाली गई है लैब अटेंडेंस की, जिसमें 10वीं पास अभ्यर्थी भी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन 10वीं कक्षा की है और जिनके पास सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा है लेबोरेटरी टेक्निक के अंतर्गत, वे जो है लैब अटेंडेंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। या फिर ऐसे 12वीं पास अभ्यर्थी जिन्होंने 12वीं कक्षा साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत पास किए हुए हैं, वे भी जो है लैब अटेंडेंस के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। इन पदों की भर्ती में जो है बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो अगर आवेदक SC या फिर ST कास्ट के अंतर्गत आते हैं तो उनको 5 साल का उम्र सीमा में छूट देखने को मिलेगा। OBC वालों को जो है 3 साल का जो है यहाँ पर छूट देखने को मिलेगा। वहीं सभी महिला कैटेगरी जो PGT के लिए अप्लाई करते हैं उनको 10 साल का जो है उम्र सीमा में छूट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे डिसेबल इंसान जिनकी कैटेगरी SC या फिर ST, OBC या फिर जनरल के अंतर्गत है, उनको भी अलग अलग जो है यहाँ पर उम्र सीमा में छूट के लिए जो है यहाँ पर जानकारी दी गई है। बता दें इस भर्ती के लिए 31 तारीख 7वें महीने 2023 तक जो है आपको ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। बाकी की विस्तृत जानकारी के लिए आप PDF को अच्छे से देख सकते हैं। PDF की फाइल का लिंक जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। इस वीडियो से जुड़ी किसी तरह के आपके कुछ प्रश्न हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अन्य लोगों के पास शेयर करना ना भूलिए और ऐसी ही रोजगार परक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। हम आपसे मिलते हैं नई वीडियो में।